हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो गाइस, इस वक्त क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, आपके रिश्ते की, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये डियर गाइस, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग में हम क्या चेक करेंगे, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए करने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं पहले से ही आपको इस चीज़ को बताकर मैं रीडिंग को कर रही हूँ कि ये जो रीडिंग है वो ज़्यादातर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ही कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप या आपका रिश्ता किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, तो आज की रीडिंग उस पर होने वाली। दूसरा, आज की रीडिंग जो है ना गाइज, एक्स्ट्रा मेरिटल रिलेशनशिप पर करने जा रही हूं, पहले से ही बता देती हूं ज्यादातर, ताकि आपको ज्यादा एनर्जीज फील भी हो और आपको हाँ भाई पता भी हो कि मुझे रीडिंग देखना है या फिर जो भी है लाइक दैट, ठीक है। तो आज की रीडिंग एक्स्ट्रा मेटर रिलेशनशिप पर होने वाली है। अगर किसी एक्स्ट्रा मेटर रिलेशनशिप में आप हो या फिर किसी वन साइड सिंगल मैरिड में आप हो, है ना, डाइवोर्सी हो, आपका सेपरेशन में हो, या फिर कोई भी ऐसी स्थिति है जिसकी जिसका आपका एक्स्ट्रा मेटर रिलेशनशिप है, या फिर आप है ना, तो या फिर आप लव रिलेशनशिप में है, तो आज की रीडिंग इस पर होने वाली है, ठीक है। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी या जो भी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता चल। एंड राशियां मैं देखो बताऊंगी इसमें, तो राशि आपको चंद्र राशि के बेस पर आप देख सकते हो, पता है आपको कि हाँ मेरे पर्सन की चंद्र राशि तो ये है। नहीं पता है मान लीजिए चंद्र राशि, तो फिर आप अपना नेम राशि से देख लो। मतलब क्या है ना कि राशियां तो देखो बताना जरूरी होती हैं, क्योंकि राशियां मुझे दिखती हैं और फिर आपको भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई पर्टिकुलर आपकी पर्सन की राशि आई है कि नहीं आई है। सेकेंडली, अगर राशि नहीं मिलती है, मान लीजिए नेम से भी नहीं मिलती है, चंद्र राशि के आधार पर भी नहीं मिलती है, तो फिर आप जो एनर्जीज मैं बताती हूँ ना, मैं एनर्जीज को बताती हूँ, अगर वो मैच करे तो फिर आप एनर्जी से चेक कर सकते हो। सेकेंडली, पास्ट प्रेजेंट भी बताती हूँ, इसीलिए मैं बताती हूँ पास्ट, है ना। वैसे मुझे खैर दिखता भी है, लेकिन मैं बताती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कभी पास्ट आपको, तो मेरा यही रीज़न रहता है कि हाँ भाई आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं, ये भी आप देख लो। एंड सेकेंडली, फ्यूचर भी मैं आपको इसमें जो है वो आपका जो है वो बताऊंगी, ठीक है। तो एनर्जीज कितना मैच करेगी ये चीज़ आपको देखना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे मैम से पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग जरूर लेना है, तसल्ली हो जाएगी मैं अगर अपने पर्सन के नेम और अपने खुद के नेम से रीडिंग लूँ, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, तो ऐसा है तो आप मुझे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9540119650, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको हीलिंग या आपको कोई भी उपाय रेमेडीज कुछ भी चाहिए है, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। सेकेंडली, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस थोड़ा सा मैं बोलूंगी, इसके बाद मैं सीधा रीडिंग स्टार्ट करूंगी। सेकेंडली, मैं प्रियंका जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। सॉरी, आपका जो मैसेज है ना, मैं चैनल के माध्यम से आपको बोल दे रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं आपको अलग से कॉल करूँ, तो चैनल के माध्यम से मुझे पता है आप सुन रही होंगी मुझे पता है, मुझे ना आपका मैसेज थोड़ा लेट मिला, मतलब अभी मिला है थोड़ी देर पहले, आपका रियूनियन हुआ, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। मुझे याद है कि आप मेरे पास रोते हुए आए थे बट आपका हंसते हुए मैसेज आया है और मेरी टीम ने मुझे बताया, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मैं, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपका मैसेज जो है वो लेट मिला, लेकिन बहुत 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 मुबारक हो आपको। और काफ़ी परेशान थी आप, लेकिन आज जो मैसेज मिला है, उस मैसेज ने मेरे को दिल को छू लिया कि मैम अगर मैं आपके पास ना आई होती तो मेरा रियूनियन कभी नहीं होता। नहीं प्रियंका जी, ऐसा नहीं है भाई, ईश्वर का, देखिए आप मेरे पास आई तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर चाहते थे कि आपका रियूनियन हो, इसलिए आप मेरे पास आई, है ना। बट आपने ऐसे बोला और इतना विश्वास किया, है ना, पेशेंस रखा, तो थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। तो भाई और भी जिनका रियूनियन हुआ है आज सुबह, तो सभी को मुबारकबाद हो, मैं सभी के लिए बोलूंगी बहुत 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 मुबारक हो आपको। तो चलिए भाई, यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करूंगी, और रीडिंग स्टार्ट मैं कर तो रही हूँ, लेकिन मेरे को ना एक चीज दिखाई दे रही है, और मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पर मैनिफेस्ट का कार्ड दिखाई दे रहा है, और आप देख रहे हो इस कार्ड को खुद ही। भाई ये मैनिफेस्ट का जो कार्ड है ना, मैं आपको बोलना चाहूंगी, रो रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त,
करंट एनर्जीज आपको याद कर रहे हैं, उनको ना बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपसे दूर होकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्योंकि वेटिंग का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से उनका इंतजार कर रहे हो कि हाँ ये पर्सन मुझसे कांटेक्ट कर लें, या फिर आपके पर्सन, क्योंकि इन्होंने ना मुझे लग रहा है एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है, मतलब हर तरफ से एनर्जीज आज ऐसी आ रही है कि जैसे ये पछता रहे हैं आपको ब्लॉक करके, और आपको ब्लॉक करके या फिर आपको इग्नोर करके रिश्ता ब्रेक करके, है ना, बड़ा पछतावा सा हो रहा है। और वो सिचुएशन आज इनकी हो रही है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उल्टा आपको। कल आप इनको बोल रहे थे कि भाई मुझसे बात कर लो, मैसेज कर रहे थे आप, और आज ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस कदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये मैनिफेस्ट आपको लग रहा होगा तो आई एम श्योर गाइज कि आपको इनकी बेहद ज्यादा याद आ रही होगी, है ना। तो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है ये आपका, एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है ये आपका, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से इस वक्त मुझे बदला हुआ नजर आ रहा है इनका रूप। मतलब जो ये पर्सन कल तक आपसे बात नहीं कर रहे थे, ढंग से बात नहीं कर रहे थे, थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी को लेकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, या थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको इग्नोर कर रहे थे। बट अभी ऐसा चेंज आया है इनमें, इतना चेंज आया है, इतना चेंज आया है कि ये आप, मतलब जैसा होता ना कि एक दीवानगी होती है किसी के लिए, है ना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है इनकी एनर्जीज को देखकर, ठीक है। मतलब एक बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि देखो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर अचानक से इतना ज़्यादा चेंज बदलाव क्यों आया। देखो एक चीज़ तो मैं आपको ये बोलूंगी कि इन्होंने जिस तरीके से वेव आपके साथ किया है ना, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देख कर कि इन्होंने शायद आपका ट्रस्ट तोड़ा है, है ना। मतलब कहीं ना कहीं तो आपको अंदर से फील होता है भले ही आप प्यार बहुत करते हो, क्योंकि आपके कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त की जो एनर्जी आ रही है, आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो गाइस, बहुत ज्यादा, बहुत, मतलब आपकी खुद की एनर्जी आ रही है कि आपने इस इंसान को बहुत चाहा है। मतलब आपने खाली चाहा ही नहीं है, इनके लिए ना आपने बहुत ड्रीम्स देखे, इनको ना आप बहुत ज्यादा सुखी देखना चाहते हो, बहुत 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 ज्यादा अटैचमेंट वाली एनर्जीज मुझे डियर गाइज आपकी आ रही है ना। और यहाँ पर आपका देख रही हूँ, मैं इतना वेटिंग कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ, काश ये ठीक से बात कर ले, काश ये कॉल कर ले, काश आपके प्यार को समझ ले, लेकिन मैं वहां देख रही हूँ कि इन्होंने तो मतलब बिल्कुल ही आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है ना, ट्रस्ट का कार्ड है ना यहाँ पर, ट्रस्ट तोड़ दिया आपका, इग्नोर आपको किया, सडन ब्लॉक कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, है ना। हाँ ये चीजें हुई है ना, थर्ड पार्टी इशू मेरे को यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा। आज मुझे चेंजेस ऐसे दिख रहे हैं कि दो पिछले दो तीन दिन से ना इनको बहुत ज्यादा आपकी याद आ रही है, मुझे लग रहा है कई बार तो ये रोए हैं, कई बार ये रोए, इन्होंने अपने आंसू दुनिया से छुपाए हैं। मतलब एक होता ना गाइस कि बहुत ज्यादा रोना आता है जब किसी की याद आती है, और वो इंसान से बात नहीं हो पाती है किसी भी रीजन से हो जाए, है ना। तो ये इनको बहुत पछतावा भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनका बिहेवियर रहा है ना, जिस तरीके से आपने इनको हेल्प किया, आपने इनको सपोर्ट किया, आपने आप शायद सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादातर मिले हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से आपके साथ एक रिश्ते को रखा है ना, मिले भी हो, लिव इन में भी आप रहे हो, एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है, एक अच्छा खासा रिश्ता आपका, एक अच्छा खासा रिश्ता, जिसको मतलब आप यही बोलोगे कि हाँ ईश्वर की कृपा थी, शायद हम पिछले जन्म में थे इसलिए मिले, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट इन्होंने फिर भी इन्होंने इस प्यार को एकदम तोड़ दिया है ना। मतलब कहाँ कल इन्होंने खुद आपको कॉल किया था, कहाँ ये कल तक खुद आपसे मैसेज करते थे, खुद आपको ये चीज़ बोलते थे कि भाई मैं आपके साथ बिना नहीं रह सकता, या मैं आपसे रिश्ता दूरियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुद कॉल करते थे, सामने से आकर कॉल करते थे, मैसेज करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर की हैं, कई बार इन्होंने अपनी वो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं जो शायद अनएक्सपेक्टेड, मतलब वो इंसान ही कर सकता है अपनी ऐसी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें फेथ होता है कि हाँ भाई हम अपने दिल की बात अगर इस इंसान से कहेंगे तो ये हमारी बात को समझेगा, है ना। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। देन उसके बाद भी आपके पर्सन जो इस तरीके से आपसे दूर चले गए ना, आज इन्हें इस चीज़ का बहुत पछतावा हो रहा है ना।
आज ये पर्सन, क्योंकि थर्ड पार्टी का बिहेवियर इनके साथ बहुत खराब है, अब जब थर्ड पार्टी का बिहेवियर इनके साथ खराब हो रहा है तो इनको मतलब रह रहकर ये याद आ रही है कि इसी तरीके से खराब बिहेवियर इनका आपके लिए था, है ना। ये आपसे बहुत ही मिसबिहेव करना या बहुत ही ज्यादा इस तरीके से रूडली बोलना, अचानक से कभी भी ब्लॉक कर देना, कभी भी अनब्लॉक कर देना, कभी भी बात कर लेना, अपनी मर्जी से बोलना, अपनी मर्जी से नहीं बोलना, वो एक इस तरीके का बिहेवियर आपके पर्सन ने आपसे किया ना कि आज उनको खुद बहुत पछतावा हो रहा है। और वो मतलब उनकी जो एनर्जीज आ रही ना, वो एनर्जीज यहाँ पर एक तरीके से अगर स्पष्ट क्लियर बोलूँ तो वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उनके अंदर अंदर से जो उनका दिल रो रहा है आपके लिए, वो माफी मांगने वाला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप इनके साथ ठीक नहीं है, और वो थर्ड पार्टी के रिश्ते से बहुत ज्यादा मतलब उनका उनका और थर्ड पार्टी का रिश्ता बहुत ज्यादा खराब भी दिखाई दे रहा है। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बहुत खराब भी हो गया है। मतलब कहीं कहीं मतलब मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ना सेपरेशन जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, बट उसके बाद भी थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर है। और वो ना मतलब कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि आप सिंगल हो, आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो सेपरेशन में हो, और सेपरेशन में होकर होने के बाद वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हो, आपके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हो, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत भावनाएं उनके साथ आपकी जुड़ी हैं, जो कि यहाँ पर टैरो कार्ड में अच्छे से दिख रहा है। बट ये एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर आपके लिए तड़प रहा है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुझे यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे आज भी लगातार इग्नोर कर रहे हैं। इतनी ज्यादा मतलब पेनफुल एनर्जीज आ रही है इनकी इस वक्त कि आपके सामने होकर भी ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, और अंदर से रो रहे हैं और सामने से आपको इग्नोर कर रहे हैं, लगातार आपको ये बोल रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। मतलब जो होता है ना गाइस कि सामने से झूठ बोलना, सामने से आपको अवॉइड करना, सामने से आपको इग्नोर करना, और अंदर अंदर आपकी ही चाहत को रखना, है ना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज भी यहाँ पर हो रही है शो। सेकेंडली यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको खुद को भी फील हो रहा है कि आपका विश्वास भी तोड़ रहे, ट्रस्ट भी तोड़ रहे, तो इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग इमोशनल वाली आ रही है, क्योंकि इनको ये पता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा लव करते हो, उनको ये पता है कहीं ना कहीं कि आपका विश्वास तोड़ रहे हैं, और जब वो विश्वास ये तोड़ रहे हैं ना, तो वो जो तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ आपके पर्सन को हो रही है, और वो इस तकलीफ में ना उनको बस यही लग रहा है कि आप जाके सीधा आपसे माफ़ी मांगे, और आपसे अपनी जो गलतियाँ ये जो कर रहे हैं कि प्यार होने के बाद भी बराबर इनकार कर रहे हैं, फीलिंग्स होने के बाद भी लगातार मना कर रहे हैं, उन चीज़ों से आज इनका दिल खुद ही दुख रहा है, खुद का दिल दुखा रहे हैं ये, और आपको लेकर बड़ा ही मतलब कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं कि मतलब इन्होंने अंदर अंदर ठान रखा है कि ये आपको लेकर जो है वो रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे, या कई बार ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि ये आप वापस लौट आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और आपके साथ मैरिज करेंगे, और आपके साथ ही शादी करेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ ना एक 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 कम्फर्ट सा फील होता है, एक आपके साथ रहकर ना इनको एक प्रोटेक्शन सा लगता है कि हाँ मेरा ये ऐसा इंसान है जो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। ये खुद इन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन इनको आप पर कितना विश्वास है, आप ये चीज़ देखो। खुद तो इन्होंने आपको धोखा दिया है, खुद इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारी झूठ बोले हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो रही है आपके पर्सन की कि वो आपके लिए तरस रहे हैं, वो आपको याद करते हैं। उनको ना मतलब सबसे ज़्यादा याद जब आती है ना, मैं आपको बता देती हूँ टाइम, रात में ना गाइस 8:30 के बाद ना उनको आपकी इतनी याद आती है, लगभग आप 8:30 के बाद से ही लगा लो, 9 से आपको इतना मिस करते हैं ना ये पर्सन, इनकी आंखों में ना मतलब एक एक तरीके से आपके लिए जैसे तड़प होती है ना, वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि और उस टाइम पर ही आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, उस टाइम पर ये बहुत मैनिफेस्ट करते हैं आपको, और उनको लगता है कि कितना अच्छा लगता था जब ये और आप बात करते थे, और आप कॉल पर भी बात करते थे, मैसेज पर भी बात करते थे, एक दूसरे को लेकर आप दोनों कितना खुश थे, है ना, पूरी प्लानिंग करते थे कि कैसे हमें साथ में रहना है, किस तरीके से, मतलब एक को तकलीफ होती थी ना आप में से तो दूसरे को पता चलता था, एक खुश होता था ना गाइस तो दूसरे को पता चलता था, आप इतना सुख आपने दोनों ने एक दूसरे को दिया,
मैं तो देख रही हूँ कि आप घंटों बातें करते थे और आपको लगता था चार चार छह छह घंटे पांच पांच घंटे आप बात करते थे और आपको लगता था कि 5-6 मिनट बात की है। मतलब जैसे मन नहीं भरता ना, मन ही नहीं भरता था आपका। बात आप खाना ना खाओ लेकिन आपको बात करना, मतलब ये होता ना जैसे समटाइम्स कि भाई हाँ हमारी जरूरत है, नीड है भाई, खाना पानी जो भी चीजें हैं, लेकिन आपको आपके पर्सन की नीड थी। मेरे को ऐसा दिख रहा है, उनको आपकी नीड थी। मतलब आपका जब तक पेट नहीं भरता था ना, जब तक आप बात नहीं कर लेते थे, है ना, तो वो चीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही कि पेट आपका जब ही भरता था। कहते ना कि जब तक तुमसे बात ना कर ली तब तक मेरा पेट नहीं भरता, तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे। तो फीलिंग आज की एनर्जी से बहुत इमोशनल आ रही है, बहुत इमोशनल आ रही है। मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने गलतियां की हैं, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। ये सामने कहीं कहीं तो दिख रहा है ना कि सामने होकर भी ये आपको झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है। खैर, यहाँ पर मेरे को जो राशि दिख रही है, मेष दिख रही है, कुंभ दिख रही है, कन्या दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, जैमिनी, टॉरस दिख रही है ना, और कैप्रिकॉन दिख रही है, और यहाँ पर मुझे सिंह राशि और मीन राशि भी यहाँ पर आज मुझे इस वक्त दिख रही है। तो आपके पर्सन डिसीजंस तो देखो, मैं आपको साफ बोलूंगी, ये आप आना तो ठीक आपके पास ही चाहते हैं, क्योंकि अगर ये आपसे आज दूर भी हो गए हैं ना किसी रीजन से, ये आपसे दूर नहीं जाएंगे गाइस, ये आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। इनको जो प्यार आपने दिया है ना, जो प्यार ये आपसे करते हैं ना, वो प्यार किसी से कर ही नहीं सकते हैं। इनको ना आपके साथ ही रहना है, आपका साथ इनको चाहिए। आपका साथ के बिना ना आपका पर्सन है ना बहुत अधूरा है। मैं कहीं कहीं देखूँ ना पास्ट में, अभी देखो सेपरेशन में, मतलब दिन रात ये जो कार्ड है ना, यही स्थिति होती रहती है। मन नहीं लगता, बड़ा अपने आप को अकेला सा महसूस करते हैं आपके बिना, है ना। अच्छा खासा रिलेशनशिप था ना, एकदम से थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता टूट गया। आज ना इनको हर वक्त एक, मतलब ये जो स्थिति हो रही ना सेपरेशन में, हर टाइम ऐसे ही मन नहीं लगना, उदास होना, आपको फील करना, कभी आपके बारे में सोचना, कभी पास्ट को सोचना, कभी प्रेजेंट में आ जाना, आपकी प्रोफाइल पिक को देखना, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये, मतलब इनको एक बेचैनी सी होती है कि हाँ अभी मैं कॉल कर लूँ, अभी मैं बात कर लूँ, अब मांग लूँ मैं माफ़ी की जो गलतियाँ मैंने की हैं। कई बार तो मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर ये सामने से आपको बोल रहे हैं कि बात नहीं करनी है, तो ये आपको बोल दें कि मुझे बात करनी है, मैं थर्ड पार्टी या फियर की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे बात करनी है, मुझे इस रिश्ते को निभाना है, मैं निभाऊंगा इस रिश्ते को। तो आज की एनर्जीज में मुझे ना यहाँ पर यही सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ अल्फ़ाबेट भी मैं आपको बता देती हूँ कि अल्फ़ाबेट क्या है। अच्छा, आपका ना पूर्व जन्म का रिश्ता यहाँ दिखाई दे रहा है, और मैं ना गाइस कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपने शादी की है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर कह रही है, कहीं कहीं ही बोलूंगी, सब जगह नहीं, कि आपने ना शादी की है, और आपने शादी पब्लिश नहीं की है, लेकिन आप लोग ना फ्यूचर में अपनी शादी पब्लिश करोगे, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है ना। क्योंकि जिस तरीके से मैं कार्ड में देख रही हूँ ना, कार्ड के हिसाब से आपकी शादी हो चुकी है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और कहीं कहीं हो सकता नहीं भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि शादी हो चुकी है, और शादी बट आपने अभी पब्लिश नहीं किया, लेकिन आप ना फ्यूचर में आप अपनी शादी को पब्लिश कर दोगे। अभी ना थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग अलग हो, है ना। ये थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है, ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज है ना निगेटिव, ये आपको अलग कर रही है। हाँ, अगर ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज रिमूव हो जाए, या पूरी तरीके से ये थर्ड पर्सन की रिलेशनशिप, और यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में मतलब जो रुकावटें आ रही है, वो रुकावटें अगर ख़त्म हो जाए उपाय से, रेमेडी से, हीलिंग से, तो आप मिलोगे, है ना। क्योंकि आप लोग के प्यार में यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छी भावना, है ना। तो फैमिली इश्यूज़ हैं, तो फैमिली अगर हाँ कर दे, या फैमिली का सपोर्ट मिल जाए आपको, या फिर फैमिली खुद ही बोल दे कि हाँ भाई तुम शादी कर लो, फैमिली खुद ही से राजी हो जाए, तो मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर आप दोनों का है, और अब फ्यूचर में आप शादी भी पब्लिश कर सकते हो, और आप एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ रह सकते हो फ्यूचर में आप, है ना। एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जीज को मैं यहाँ पर ना महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ट्रस्ट का कार्ड है, और कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज आपके रिश्ते को लेकर एक अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर डियर गाइस दिखाई दे रही है, जो कि
बहुत जल्द आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी को बता रही है। सो गाइज यहाँ पर मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आपके पर्सन अगेन आपसे माफी मांग रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना, आपसे दूर होकर वो बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है। कहीं कहीं मैं आप लोग के बीच में एज डिफरेंस बहुत अधिक देख रही हूँ कि एज डिफरेंस की वजह से आप लोगों के बीच में, लेकिन एज डिफरेंस की वजह से कितना भी एज डिफरेंस हो लेकिन प्यार बहुत ज्यादा है। दूसरा ना, इनको इनकी एनर्जीज है, मुझे कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब उनका साथ छोड़कर ये आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, ऐसा मेरे को यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है। आपके पास वापस लौट कर आना चाहता है आपका प्यार। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाते हो आप मेरी रीडिंग को, आपको बताना है। और अगर आपको लगता है कि मैं तसल्ली कर लूँ, मैम से बिल्कुल अपने बारे में पूछ लूँ, तो आप बिल्कुल वेलकम है। आपका व्हाट्सअप नंबर है 9540119650, आप बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।